हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सतीश शर्मा, आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, आधार कार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें हमको अपडेशन कराने के लिए काफ़ी समय से हम परेशान होते आए हैं। लेकिन दोस्तों, अब आधार की तरफ से बहुत अच्छी सुविधा दी गई है कि आप बहुत सारी चीज़ें खुद ही अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप कंप्यूटर से घर बैठे खुद ही ऑनलाइन अपडेट करवा सकते हैं। सिर्फ बायोमेट्रिक जो फिंगर रहते हैं, फिंगर के निशान, वो और उसके अलावा अपना फ़ोटो, ये दो चीज़ अपडेट करवाने के लिए आपको सेंटर पर ही जाना पड़ेगा जहाँ पे भी आधार कार्ड बन रहे हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें जो भी बची हैं, सब चीज़ें आप खुद घर बैठे ही अपडेट ऑनलाइन करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कौन सा पोर्टल है, कहाँ से जाके आपको ये अपडेशन की प्रक्रिया करनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सारी प्रोसेस मैं आपको अपने मोबाइल के थ्रू ही बता रहा हूँ। मोबाइल में आपको अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे मैंने गूगल क्रोम कर लिया। अधिकांश मोबाइल्स में ये आपको गूगल क्रोम मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं पोर्टल की लिंक बता रहा हूँ आपको, क्या आपको पोर्टल ओपन करना है। यहाँ पे लिखना है आपको, देखिए आ गया है myaadhar.uidai.gov.in। ये मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप सीधा भी क्लिक करके इस पर जा सकते हैं। ये आपको ओपन करना है। ये देखिए, मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आपको ऊपर ही जो अंगूठे का निशान आ रहा है, उसके नीचे देखिए आप लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, इसमें एक खास शर्त ये ज़रूर है कि आपका आधार कार्ड जो है, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आपका लिंक होना ज़रूरी है, यदि आप खुद घर बैठे ऑनलाइन अपडेट करवा रहे हैं। तो जब तक आपके आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा होगा, तब तक आप ये प्रोसेस अपने घर से नहीं कर पाएंगे, आपको आधार सेंटर पर ही जाना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो पेज आपके सामने खुला है, यहाँ पे सबसे ऊपर एंटर आधार, तो यहाँ पे आपको 12 अंकों का आधार नंबर डालना है जिसमें आपको अपडेशन करवाना है। तो मेरे पास एक आधार नंबर, वो एंटर करता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद आपको नीचे जो कैप्चा दिख रहा है, आपको वो एंटर एबव कैप्चा पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ये कैप्चा टाइप करना है, जो भी आपको यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है। इसके बाद नीचे आपको सेंड OTP, तो आपके जो आधार, आपने वो आधार नंबर ऊपर डाला हुआ है, उस पर जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक है, वहाँ पर आपका OTP पहुँच जाएगा। तो ये सेंड OTP पे क्लिक किया मैंने, ये देखिए OTP आ गया है। इसको आपको नीचे एंटर करना है। ये OTP एंटर कर दी, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप। ये देखिए, आप अपने मोबाइल आधार और मोबाइल नंबर के थ्रू आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, सर्विसेज भी बहुत सारी दिख रही हैं आपको। डाउनलोड आधार, आप यहाँ से आधार डाउनलोड कर सकते हैं। PVC का जो आधार कार्ड आता है, उसके लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। 50 रुपये का पेमेंट इसमें करना रहता है। अपडेट आधार ऑनलाइन, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। बैंक लिंकिंग स्टेटस, जनरेट वर्चुअल UID, लॉक अनलॉक, बायोमेट्रिक्स, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री एंड ऑफलाइन की KYC, ये बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको दिखेंगे। अब जो मेन चीज़ है वो है, थर्ड नंबर का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट आधार ऑनलाइन। यहाँ से आपका आप अपडेशन अपने आधार कार्ड में करा पाएंगे। ये जैसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करें, इसके बाद प्रोसीड टू अपडेट आधार यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको 5 चीज़ें आपको दिख रही हैं, इसमें आप अपडेशन करवा पाएंगे। अधिकतर यही होता है कि इन्हीं के लिए आप हम अपडेशन के लिए परेशान होते रहते हैं, और इसी में अधिकांश होता है डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस। जैसे मान के चलिए मुझे एड्रेस चेंज करना है, नीचे वाला एड्रेस वाले पे मैंने क्लिक कर दिया, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखिए प्रोसीड टू अपडेट आधार, ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। अभी हम अपडेशन की प्रोसेस कर रहे हैं एड्रेस के लिए। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, तो ये आपको पुराना एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, वो पुराना एड्रेस आपको दिखेगा। ठीक, इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको नया एड्रेस जो आपको टाइप करना है, नया एड्रेस जो आपको डालना है उसमें, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। डिटेल टू बी अपडेटेड, तो यहाँ पे केयर ऑफ में आपको इंग्लिश में भी ये अपडेट एंट्री करनी है और हिंदी में भी करनी है। जैसे मान लीजिए मुझे ये इंग्लिश में, मैंने केयर ऑफ में मुझे ये डालना है, मेरा नाम ही मैं यहाँ पर टाइप करके आपको बता रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी। जैसे ही आपने इंग्लिश में डाला, वही नाम आपका हिंदी में भी नीचे आ गया। इसको आप मिलान कर लें, क्या सही आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे आप हिंदी वाले ऑप्शन में भी जाके इसको सही कर सकते हैं। सही आ गया हो तो फिर आप आगे बढ़ना है, आपका एड्रेस का जो भी कॉलम है, ये सारे कॉलम आपको फिल करने हैं, घर, हाउस नंबर वगैरह, स्ट्रीट या रोड, गली, सड़क जिसको बोलते हैं, लैंडमार्क, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें आपको कॉलम एक एक करके फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए, जो अपलोड आपको डॉक्यूमेंट करना है, उसमें भी दो ऑप्शन है,
यदि आपके पास डिजी लॉकर में आप यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट, आप डिजी लॉकर में रखते हैं, तो सेकंड वाला ऑप्शन डिजी लॉकर पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपको डिजी लॉकर के थ्रू अपलोड हो जाएंगे, लेकिन अधिकांश हम मैनुअल ही अपलोड करेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन जो टिक आ रहा है मैनुअल अपलोड, इसी पर रहने दें। अब इसके बाद इसी के नीचे सेलेक्ट वैलिड सपोर्ट डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप जो क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एड्रेस चेंज करने के लिए जो आपने एड्रेस नया डाला है उसके संबंध में इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसमें भी हम अधिकांश हम सेकंड लास्ट जो ऑप्शन आ रहा है वोटर आईडी, इसी को हम अपलोड करेंगे। उदाहरण के लिए मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वोटर आईडी ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसका ये इसको ओके करना है। ठीक, अब इसके बाद नीचे जो एरो का निशान आ रहा है इसमें लिखा हुआ है व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखें, ऑप्शन तो इसमें आते हैं, फ़ोटो आप क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा ना करें। जैसे वोटर आईडी है, वोटर आईडी आप जानते हैं कि दोनों साइड का रहता है, फ्रंट भी रहता है उसके बाद बैक भी रहता है, तो हमको वैसे तो एड्रेस चेंज करना जो कि बैक साइड रहता है, लेकिन आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया जैसे वोटर आईडी किया, तो आपको दोनों तरफ का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो दोनों साइड का अपलोड करेंगे। और उसमें भी आपको ये शर्त है विशेष रूप से कि आपको फ़ोटो, यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड होता है एक पेज का, तो आपको जो भी दोनों तरफ के डॉक्यूमेंट हैं उनको आपको ऐसे स्कैन करना है ताकि वो एक ही पेज पर सामने दिखें। अब इसका भी मैं उदाहरण आपको बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे व्यू डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, अब यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड इस पर क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला कैमरे का ऑप्शन आ रहा है, सेकंड थर्ड वाला आ रहा है फाइल वाला, तो कैमरे का यूज़ आप ना करें, आप फाइल में जाएँ, फाइल में क्लिक करके आपके जो मोबाइल में सिस्टम में डले हैं ये डॉक्यूमेंट आपके जो आपको स्कैन करके रखना है ऑलरेडी, वहाँ से आपको ये चीज़ अपलोड करनी पड़ेगी। दोस्तों मैं अपने मोबाइल में सर्च कर लिया है मैंने जो मुझे फ़ाइल अपलोड करनी है, अपनी गैलरी में से ये मैंने फ़ाइल पीडीएफ की बना रखी है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और नीचे ओके कर दिया, तो ये देखिए अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए आपको वो फ़ोटो दिख रहा है, अब ये फ़ोटो मैं आपको बता भी देता हूँ कि पीडीएफ मैंने दोनों साइड की किस तरह से ये बनाई है, तो इसका भी आप ये देख लीजिए, आपको भी ऐसे ही एक तरह से बना के रखना है ये, चूँकि मैं अपलोड नहीं कर रहा सिर्फ मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ये देखिए एक फाइल बनाई है मैंने, इसमें फ्रंट साइड भी है बैक साइड भी है, इस तरह से आपको दोनों तरफ का जैसे वोटर आईडी आपने सेलेक्ट किया है तो दोनों तरफ का आपको एक फ़ोटो तैयार रखना है जिसको कि आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसकी भी साइज़ आपको 2 MB से कम रखना है, PDF भी कर सकते हैं या JPEG भी कर सकते हैं, JPG में डायरेक्ट नहीं होगा, JPEG या फिर PDF या PNG भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। साइज़ का ध्यान रखें 2 MB से कम आपको यहाँ पर रखना है। ठीक, ये आप जैसे ही कर देंगे 100% हो गया। इसके बाद जो कॉर्नर में राइट साइड नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे आपको सेकंड टैब पे पहुंच जाएंगे प्रीव्यू वाले पे, तो आपको प्रीव्यू दिखेगा पूरा, एक बार आप रीड कर सकते हैं कि आपका पुराना क्या था, नया आपने क्या एंट्री की है अपडेट करने के लिए, वो सारा आप चेक करके फिर नेक्स्ट करेंगे तो आपको लास्ट वाली टैब जो पेमेंट वाली दिख रही है यहाँ पर आपको पेमेंट वाली टैब पर पहुँच जाएंगे। आपको किसी भी तरह का अपडेट करना है तो उसके लिए आपको 50 रुपये का पेमेंट UID के लिए करना रहेगा। तो यहाँ पे पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी तरीके से आप ये पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। जैसे पेमेंट करेंगे सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और आपकी रिक्वेस्ट जो अपडेशन वाली है वो UID के पास पहुँच जाएगी और कुछ ही दिनों में आपका नया जो लेटेस्ट आपका जो अपडेट किया हुआ आधार कार्ड है वो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर पहुँच जाएगा। दोस्तों अपडेशन की प्रोसेस यही है, हम एक एक करके देखेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप प्रोसेस आप समझ गए होंगे कैसे कैसे करना है, तो आप ये प्रोसेस फॉलो करके घर बैठे ही अपडेशन की प्रोसेस अपने किसी भी आधार कार्ड में करवा सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।